ये जो 60 दिन के कोरोना का लॉकडाउन के बाद जो सरकार ने, रूपाणी सरकार ने डायमंड इंडस्ट्री में 50% फैक्ट्री चालू करने का और ऑफिस में 33% स्टाफ के साथ जो चालू करने का किया है, वो बहुत अच्छा निर्णय लिया है। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो सूरत में डायमंड इंडस्ट्री में कारीगर जो रत्नकलाकार लोग हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं और उन लोग अपने वतन में चले गए हैं। करीबन 50 से 60% लोग वतन में अभी जा चुके हैं, तो उन लोग को तो 14 डेज होम क्वारंटाइन रहने का है और 13 डेज सरकार के नियम के मुजब वहीं पे रहने का है, तो 45 डेज उधर ही रहने का है। और देखा जाए तो वहाँ पे अभी मॉनसून का भी सीजन चालू होने वाला है, तो मॉनसून के सीजन में भी वहाँ पे रुकने की शक्यता बढ़ जाती है। वो हिसाब से डायमंड इंडस्ट्री में लेबर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। और देखा जाए तो जब तक मुंबई का मार्केट रनिंग नहीं होता है, तब तक ये सूरत के मार्केट में लेवाली बहुत कम होगी। अभी जो लेवाली का जो ये संकेत बढ़ रहा है, वो एक्सपोर्ट की वजह से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हांगकांग में एक्सपोर्ट होने लगा है। और अभी भी ताज़ा न्यूज़ के हिसाब से बेल्जियम से भी न्यूज़ आ रही है कि वहाँ का भी मार्केट मूवमेंट होने लगा है। तो ये एक्सपोर्ट की वजह से अगर सूरत की इंडस्ट्री में जो सब लोग सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से अपना काम चालू कर दे, जो भी गाइडलाइन सरकार ने दिया वो हिसाब से, तो भी इनफ है और अपने डायमंड इंडस्ट्री में वेग पकड़ाने के लिए भी काफ़ी है।